भूत प्रेत आत्मा को कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग तब तक नहीं मानते जब तक उनके आंखों के सामने ऐसा कुछ उन्हें नजर नहीं आता। अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसमें जो घटना घटी है वो एक लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान घटी है, जिसका फेक या एडिटेड होना बहुत ही मुश्किल है। और उस समय के सारे लोगों ने ये घटना लाइव टीवी पर भी देखी थी, जिसमें एक थाई मॉडल का इंटरव्यू लिया जा रहा था और अचानक से वो मॉडल अजीब सी हरकतें करने लगी और कुछ बड़बड़ाने लगी। पहले तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि लाइव टीवी पर किसी को आत्मा ने पकड़ा हो। अगला जो वीडियो है वो घर में कुछ खेलते हुए रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों ने मास्क पहना हुआ है और वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, जिसमें कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन जब कैमरा दरवाजे के पीछे के कबर्ड की तरफ घूमता है तब वहाँ नीचे की तरफ हमें दो चेहरे नजर आते हैं जो देखने पर कोई भी डर जाएगा। उन चेहरों की आंखें भी हमें दिखाई देती है, लेकिन शायद कैमरा वाले ने यह बात नोटिस नहीं की थी या फिर उसे पहले से ही पता था। क्या ये बैटरी ऑपरेटेड मास्क था या सच में उस घर में कुछ अजीब चल रहा था? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में एक लड़की जिम में वर्कआउट करती नजर आ रही है, जो अपने ट्रेनर की बातों को सुनते हुए जैसे एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा रहा है वैसा कर रही है। लेकिन तभी ट्रेनर को वीडियो में कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर वो डर के मारे उस लड़की को वहां से हटने को कहता है। Working on six pack abs at 40. Two. Jay, get down. Just get down. Get down. Get down. जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, उस लड़की के पीछे एक इक्विपमेंट का हैंडल अपने आप ऊपर उठता दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों भी वहां से भाग खड़े हुए हैं। Just get down. Get down. Get down. अगले इस सीसीटीवी फुटेज में एक महिला अपनी गाड़ी पार्क करके कहीं जा रही है ऐसा दिखाई देता है, जिसके कुछ ही देर बाद वो गाड़ी अपने आप पीछे आने लगती है। ये देखकर शायद अब आपको ये लग रहा होगा कि हो सकता है कि गाड़ी के ब्रेक्स ठीक से नहीं लगाए गए होंगे या फिर गाड़ी रिवर्स गियर में रह गई होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गाड़ी पीछे आने के साथ साथ टर्न्स भी ले रही थी और इतना ही नहीं, उसके बाद वो रुक कर थोड़ी सी आगे की तरफ भी चल गई, जिससे ये शक दूर हो जाता है कि गाड़ी के ब्रेक्स नहीं लगे थे या गाड़ी रिवर्स गियर में भी नहीं थी। ऐसे में इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी में कोई भी नहीं है और इसके बावजूद भी गाड़ी आगे पीछे हो रही है और उसके साथ टर्न्स भी ले रही है। और इन सब में हैरानी वाली बात तो यह है कि रास्ते पर इतना ट्रैफिक और दूसरी गाड़ियां होने के बावजूद भी वो गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से नहीं टकराई, तो असल में बात क्या है और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। जेल एक मजबूत सिक्योरिटी और हमेशा निगरानी में रहने वाली जगह है, वहाँ हमेशा दिन रात 24 घंटे सीसीटीवी चालू रहता है। अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो एक जेल की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एक कैदी जेल के दरवाजे के पास खड़ा है और बाहर की तरफ देखता है। कुछ देर उसी जगह खड़ा रहने के बाद जब वो एक साइड में हट जाता है तो उसके पीछे कोई अजीब सा साया या जीव हमें नजर आता है, जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इतनी सिक्योरिटी में किसी और का अंदर जाना भी मुमकिन नहीं है, तो आखिर वो कौन है? एक आदमी के घर के सामने गार्डन में लगा हुआ सिक्योरिटी अलार्म अक्सर रात में बजा करता था, लेकिन जब वो बाहर देखने जाता था तो वहाँ कोई नहीं होता था। कई दिन ऐसे ही गुजरने के बाद जब उसे लगा कि कोई चोर या कोई जानवर वहाँ आ रहा होगा जिसकी वजह से वो अलार्म बज रहा होगा, इसका पता लगाने के लिए उसने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया। लेकिन उसने जो देखा उसकी उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की होगी। सीसीटीवी में एक एलियन की शक्ल जैसा जीव साफ नजर आता है, जो कि दरवाजे के बाहर झांक रहा होता है। अब ये सच में एलियन हो सकता है या नहीं ये पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो को देखकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा। इस अगले वीडियो को देखकर आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो में एक फैमिली टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उनमें से एक जन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जिसमें उनके पीछे सोफा पर हमें दिखाई देता है कोई अलग सा दिखने वाला इंसान बैठा हुआ और बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पीछे कौन बैठा है। कुछ देर बाद वो इंसान वहां से उठकर चला जाता है और गायब हो जाता है, जो कि सच में एक चौंकाने वाली वीडियो फुटेज है।
टिड्डियों के बारे में कुछ महीनों पहले काफी चर्चा चल रही थी, जिसमें वो काफी तादाद में एक जगह से दूसरी जगह उड़ती हमें दिखाई देती है। लेकिन अब टिड्डियों का वो वीडियो देखने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस रेगिस्तान में टिड्डियां छोटे ग्रुप बनाकर रेत पर बैठी हुई है, जो कि बहुत ही रेयर है, क्योंकि आखिर ये टिड्डियां रेगिस्तान वाली जगह इस तरह टुकड़ियों में क्यों रुके हो सकते है, ये सोचने वाली बात है। तो आपको बता दें, साइंटिस्ट के अनुसार ये टिड्डियां रेगिस्तान में पाई जाती है, जो वहां ट्रैवल करके दूर देशों में जाती है। ये टिड्डियां अपने आप को रेगिस्तान जैसे गर्म माहौल में भी संभालने की क्षमता रखती है, इसलिए वो नरमी वाली जगहों को ढूंढती है। गाइस, परियों की कहानी कई लोगों ने बचपन में सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिसमें एक छोटी सी परी जैसा जीव उड़ते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था, जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखाई देता है और उसके पंख और पर भी होते है, तो आखिर वो कौन सा जीव था। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो करीब 2 से 3 साल पहले जब कैरी मिनाटी एक हॉरर गेम की लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तभी उनके पीछे दीवार पर लगे हुए कैरी मिनाटी के लोगो में से कुछ वर्ड्स या फिर कहो लेटर नीचे गिरते हुए नजर आए। उसे देखकर खुद कैरी मिनाटी शॉक हो जाते हैं। अब ठीक है, अब देखो। ओए, ये क्या हुआ? तुम लोगों ने देखा ये क्या हुआ? भाई मेरे को डर लग रहा है यार। क्या है भाई? हैरानी की बात तो ये थी कि ऐसा तभी हुआ जब कैरी मिनाटी एक भूतिया गेम खेल रहे थे। अब इसे आप एक कोइंसिडेंस कहो या फिर कुछ और, लेकिन ये एक अजीब बात तो है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला एक जगह पर गई थी और वो गाड़ी से उतरने के बाद उस जगह वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, और तभी वहाँ कुछ देर चलने के बाद उसे सामने काले कपड़ों में कोई चलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो आगे चलती रहती है। फिर जब और आगे जाने के बाद उसे डर लगने लगा तो वो वापस मुड़कर गाड़ी की तरफ भागने लगी, और भागते भागते जब उसने पीछे देखा तो कैमरे में कोई अजीब और भयानक महिला उसका पीछा करते हुए रिकॉर्ड हुई, और वो वीडियो वही खत्म हो गई। और वो महिला उसका पीछा क्यों कर रही थी ये किसी को नहीं पता। What the fuck? Should we keep going? ऐसे इस वीडियो को ध्यान से देखने पर कहीं पर ऐसा लगता है कि इस वीडियो को हो सकता है बनाया गया हो, लेकिन जो भी हो, ये वीडियो कई बार देखने के बाद भी उतनी ही डरावनी लगती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में कौन सी वीडियो क्लिप सबसे ज्यादा मिस्टीरियस या फिर चौंकाने वाली लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार एक लाइक कर देना, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलना।